पेंसिल को थैंक यू बोल दो। चलो थैंक यू दी। अब अगला गेम फटाफट करो, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं ये क्या है। उत्तम उत्तम है नहीं मैडम बोल दी भैया। ये कौन दिया है? चलो उनका एक ही बैठ जाए वाली। हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल। बस खिचड़िया बन गई बा, बन गई बा, कुकरवा खुले दी मिल। कैसे हैं आप सब? मैं मान रही हूँ कि मैं ये वीडियो बहुत लेट शेयर कर रही हूँ कि रम्या को बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला था। सबसे बड़ा गिफ्ट होता है आशीर्वाद, जो कि रम्या को भर भर के आप सबने भी दिया, और जो लोग हमारे यहाँ आए थे उनका तो कोटि कोटि धन्यवाद। की मतलब जैसे रम्या की बुआ हुई, वो इतने दूर से आई, रम्या की जो मेरी सिस्टर है वो लोग को मतलब गोलू को टाइप वो था, डेंगू था, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत मेहनत करी। और मनीषा जी जो कि मेरी बहन है, डॉक्टर मनीषा शुक्ला, आप लोग जानते ही हैं, उनको वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, वो बनारस से चल के स्पेशली रम्या के बर्थडे के लिए आई। तो सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है रम्या के लिए, लेकिन फिर भी लोग प्यार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो आज मैं माफ़ करिएगा, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या मिला था। ये वीडियो उसी दिन की शूट है, बट उसके अगले दिन ही मुझे डेंगू का लेवल मेरा बढ़ गया था, तो मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई थी। वो वीडियो मैं आज तक शेयर नहीं कर पाई, मुझे बहुत ज़्यादा जकड़न है इसमें गले में, इसलिए मेरी सांसें लग रहा है कि आपको फूल रही है। मेरे चेहरे से मत जाइएगा, मेरा चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा होगा क्योंकि मैं तैयार ही हुई थी। ड्राई फ्रूट्स आए थे कोलैबोरेशन के लिए इंस्टाग्राम पे, तो उसकी वीडियो शूट करनी थी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से आके रखे हुए हैं, मैंने उनके वीडियो फ्रेश मामा पेज मैंने किया नहीं था, तो वो बार बार बोल रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो जुकाम सर्दी खांसी है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा शक्ल ठीक करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। तैयार होकर बैठी हूँ, इसीलिए चेंज नहीं कर रही, लाइट ही नहीं है। लाइट आ जाए, अरे मत बंद करीजिए, खोली, लाइट आ जाए एक बार तो वो करते हैं। अभी जा रही हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने एक्साइट हो जाती थी। तो आज होने वाला है अच्छा सा वीडियो, मतलब जो जो बर्थडे में गिफ्ट मिला है वो दिखाया जाएगा। रम्या में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, एकदम परेशान हो गई है, बहुत परेशान है। ये वाला टीवी नहीं दिख रहा है, वो इसीलिए तो नहीं दिखा रही हूँ मैं, दिखाओ ना। ये वाला ने मौसी के चल मौसी कई बार बोल पाया, तुम मौसी बहुत प्यारी हो आप, दीदी के लिए
लिए साड़ी लाई है, मम्मी के लिए प्यारा सा साड़ी, बहुत सुंदर सी साड़ी है, सच में बहुत मुझे अच्छा लगा। थैंक यू पूजा दीदी, मेरी अच्छी साड़ी मिल रही है ना, आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अरे मैं बट फाड़ो जल्दी, फाड़ नहीं होना मुझसे रुको। हां ये भी वही है। हाय बेटा, का कर रही हो? देखो तो सहला ला, सेम वही गिफ्ट है लेकिन फिर भी इतने प्यार से उन्होंने दिया है, तो थैंक यू फिर से। ये पेन दिया है किसने? किसने बहुत प्यार से बड़ी मम्मी ने, चलो उनको भी थैंक यू बोलो। अरे मेरी बड़ी मम्मी लोग आई थी तो वो भी पेन दिए हैं। हाय किसे के बता? ये मेरी फ्रेंड अंशिका जी है। कौन अंशिका जी? तुम्हारी जी बाद में। हाँ अंशिका को भी थैंक यू, तुम्हारा फेवरेट पेन है। अरे वाह देखो तुम्हारा फेवरेट पेन आया है। चांदी का पेन आ गया ब्लर वाला सिस्टम हटाओ ना पूरा लव के तो मिलते हैं आप सबको अब फिर कुछ और ब्लॉग्स में, लेकिन दीदी का वीडियो देखते रहिए प्लीज। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू गाइस। और मनीषा जी ने एक और गिफ्ट भी दिया था जो कि ये है गोल्ड की रिंग, और ये मेरी अरम्या की फर्स्ट रिंग है, तो मतलब थैंक यू सो मच। पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन जो दिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ वीडियोस मेरी पहले की भी हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो आप लोग देखिएगा। उम्मीद करूँगी कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच जो लोग अरम्या के बर्थडे में आए, थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली जो आप लोगों ने इसको विश किया। और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि मुझे मतलब घबराहट हो रही है जुकाम की वजह से। मिलते हैं आप सबसे। आज ना लाइट आई थी और चली भी गई, तो उससे पहले मैंने काम शुरू कर दिया था। यहाँ पे देखिए चावल है, चावल
और अम्मा के पापा क्या करते हैं, एक बार बोरी में निकाल के रख देते हैं, ये नहीं करते कि डब्बे में ही निकाल दें जैसे बड़े वाले ड्रम से। वैसे हम चावल बेचते भी हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, हम धान ही मेन बेचते हैं मोस्टली। लेकिन चावल कुटवाए थे तो बादशाह भोग जो चावल होता है वो 3 सालों से, मतलब 2 साल पहले का था, मतलब 2 साल से पहले पुराना था, 1 साल पुराना था। तो हमने बहुत सारे चावल जो है बेचे भी हुए हैं क्योंकि किसी को ज़रूरत था। तो यहाँ पे इस वाले चौकी तख्त जो भी आप बोलते होंगे ये मैं सारा क्लीन करने वाली हूँ आज, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही थी कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ बिक रही थी जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे देखी तो अम्मा के बुक्स थे, कहीं झोरी थी, कहीं प्लास्टिक थी, कहीं कुछ रैपर था, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि फिजूल की थी। और आज जो है वो अमावस्या है, वैसे तो अमावस्या में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मैं भी बनाती हूँ। पिछले साल का ब्लॉग देख लीजिए मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। बट इस साल अरु की तबीयत ख़राब है तो अम्मा के पापा ने बस बोला कि कढ़ाई गमका लो, दही का कुछ भी नहीं बनेगा। पकौड़ी मैंने बनाई और बेसन की और कढ़ी मैंने बनाई, क्योंकि दही का नहीं बनेगा क्योंकि दही मुझे भी खाना बना है और रम्या को भी। यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ तली, कढ़ी बनाई, चावल बनाया, पकौड़ी बनाई, साथ में आलू और बैंगन वाले। मिलते हैं आप सबसे कल। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैं छौंक रही थी कढ़ी बिना दही वाली, क्योंकि दही किसी को नहीं खाना है। तो आप लोग भी, मौसम चेंज हो रहा है, कृपया करके अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का खासकर ख्याल रखें, अपना खुद का भी। गर्म पानी पिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब।